ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जरूरी सूचना, पिछले 24 घंटों में भारत में 35,000 नए पेशेंट पाए गए। कल रात 10 पेशेंट वार्ड ए से, 5 पेशेंट वार्ड डी से, 2 पेशेंट वार्ड यू से फरार हो गए। ये 17 पेशेंट COVID-19X21 के पहले स्टेज में थे। नमस्कार भारतीय उत्तरजीवी, आज इस महामारी के 4 साल पूरे होने को आए हैं। यह महामारी 2019 में सर्वप्रथम चीन देश के वुहान शहर में पाया गया था और 2020 के मध्य तक यह विश्व भर में एक असाध्य रोग बनकर फैल चुका है। संपूर्ण भारतवर्ष में 24 मार्च 2020 की अर्धरात्रि से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया, परंतु फिर भी यह महामारी काबू में ना आ सकी और अब यह एक विकराल विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुकी है। 2021 में यह वायरस रूपांतरित होकर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसके दूसरे स्टेज की भयावहता को देखकर इसका नाम COVID-19 से बदलकर COVID-19X21 रख दिया गया। वायरस का यह रूप शरीर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम इंसान की प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। इसके लक्षण 10 घंटों के अंदर ही दिखने लगते हैं। COVID-19X21 के संपर्क में आते ही इंसान के जीवित रहने की संभावना 2 हफ्तों तक सिमट के रह जाती है। इसलिए इसे 2 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला हफ्ता अर्थात पहला स्टेज, इस स्थिति में मनुष्य को COVID-19 के सामान्य लक्षण दिखते हैं, पर दूसरे हफ्ते अर्थात दूसरे स्टेज में पहुंचते ही मनुष्य अपने होशो हवास खो बैठता है। हृदय की गति बिल्कुल धीमी और मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो जाता है। भारत सरकार ने 2021 में इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हर राज्य में बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण कराया। इन अस्पतालों का नाम हर राज्य के इनिशियल लेटर पर रखा गया, जैसे वार्ड एम मुंबई, वार्ड डी दिल्ली, वार्ड यू उत्तर प्रदेश इत्यादि। इन अस्पतालों में COVID-19X21 के मरीजों को कैद करके रखा जाता है और मृत्यु के पश्चात उनके शवों को जला दिया जाता है। इस महामारी से बचने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने घरों में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, इस उम्मीद में कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
यीशु, मेरे बेटे, कितनी बदनसीब है ये तेरी मम्मी, जो इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी है, जान चुकी है कि वो अपने बेटे से आखिरी बार बात कर रही है। बाबू, मुझे COVID-19 X21 पॉजिटिव आया है। मेरे पास अब सिर्फ हफ्ते भर का समय है। हफ्ते भर में मैं अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठूंगी। मुझे ये भी याद नहीं रहेगा कि मेरा कोई बेटा भी है जिसको 9 महीने अपने कोख में रखा और जिसको मैंने इतने सालों अपने सीने से लगाए रखा। मुझे पता है बेटा, ऐसे समय में सबसे ज्यादा एक बच्चे को अपनी माँ की जरूरत होती है, ताकि वो महसूस कर सके कि वो सुरक्षित है। पर बेटा, तेरी मम्मी इतनी अभागी है कि वो तुझे ये सब कह तो सकती है पर तुझे दे नहीं सकती। पर बेटा, तू अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बस एक गलती हो गई बेटा, मुझसे एक गलती हो गई और मैं चाहती हूँ कि वो गलती तू ना करे। बेटा, बाहर मत निकलना बेटा, अपने आप को कैद करके सुरक्षित रखना। कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। अपनी मम्मी से प्रॉमिस कर बेटा, कुछ भी हो जाए तो बाहर नहीं निकलेगा और अपने आप को सुरक्षित रखेगा। जरूरी सूचना, पिछले 24 घंटों में भारत में 40,000 नए पेशेंट्स पाए गए हैं। कल रात को 2 पेशेंट्स वार्ड एम से फरार हो गए। महामारी के कारण विश्व की जनसंख्या सिर्फ 55% बची है। विश्व में खाने की कमी हो गई है। पूरे विश्व में पिछले 1 महीने से 20,000 लोगों की मौत खाने की कमी से हुई है। खाने की कमी के कारण दिल्ली में लोगों ने दंगा कर दिया। करीब 200 लोगों की भीड़ उमड़ी। पुलिस ने 95 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 80 लोगों को COVID-19 X21 पॉजिटिव पाया गया है। किसको देख रहा है बे? तुझे तुझे पता नहीं कि तू किसको घूर रहा है? अभी भी देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा तेरे को? बताओ, क्या बताऊं? हाँ बताऊं, बता तो।
बताता हूँ। इट्स यू एंड मी बड़ी, लेट्स गो। Fuck! सत्रह नवंबर 2019 लूडो में हारने के बाद पुलिस ऑफिसर ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को मारा गोली। अहमद कुवेशी 35 साल के पुलिस ऑफिसर ने अपने पत्नी जुबेरा कुवेशी से लूडो में हारने के बाद गोली मार के की उसकी हत्या करने के बाद पति ने अपनी पत्नी के लाश के साथ किया संभोग। क्या संभोग कर पति ने खुद को गोली मार के की खुदकुशी। ये मैं जीत गई। लूडो मेकिंग तो मैं हूं, तू कैसे जीती माधरचोद? अरे ये तो मर गई। Thank you.
कौन है? कोई है? कौन है? हेलो, क्या 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 चाहिए? कौन हो तुम? बड़े दिनों के बाद किसी की आवाज सुनकर बहुत खुशी हो रही है। क्या चाहिए क्या तुमको इधर? दरअसल मैं आपकी बिल्डिंग को छोड़कर आगे की जो तीसरी बिल्डिंग है ना, मैं वहीं रहता हूँ। तो इधर क्यों आए हो तुम? तुम्हें पता नहीं बाहर क्या चल रहा है? पता है, पर फिकर ना करे। मैं सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर इधर आया हूँ। प्रिकॉशंस लेते तो इधर नहीं होते। जी आप सही बोल रहे हैं, पर करीब एक हफ्ते पहले मैं अपने घर में भूखा प्यासा तड़प रहा था। कुछ ना खाने को था और ना ही कुछ पीने को, तो इसलिए मुझे खाने के तलाश में अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने दिनों का खाना बचा है? अच्छा, देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, समझे? अब तुम जाओ इधर से। मेरे हिसाब से आपके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हफ्ते या 10 दिन तक का खाना बचा होगा। सही बोला ना? जी मैं सोच रहा था कि आप मुझे अपने साथ रहने दें। क्या पागल हो गया है क्या तू? ताकि जो एक हफ्ते का खाना बचा है वो 3 दिन में खत्म हो जाए, या तो फिर मैं जैसे ही तुझे अंदर आने दूं तू मुझे मार के सारा खाना ले जाए। या तो क्या पता तुझे वायरस हो और तू अपने साथ मुझे भी ले डूबे। तो ये जो तेरा फालतू का आइडिया है ना, वो अपने पास रख, समझा? और निकल इधर से। जी आप भरोसा करें, मेरा ऐसा कुछ भी करने के इरादे से यहां नहीं आया हूं। आप मुझे बताएं कि जब आपके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? भूखे प्यासे मरेंगे? तब तो आपको मेरी तरह बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, खाने के तलाश में। और अगर आप खाने के तलाश में निकलोगे तो भी आपको खाना नहीं मिलने वाला। क्या? क्यों क्यों नहीं मिलेगा खाना? जी मैं जब खाने के तलाश में एक हफ्ते पहले अपने घर से निकला था, तब से मैं इधर से दूर दूर तक के जितनी भी दुकानें थीं, उन सारे दुकानों से मैंने खाने के लिए मुझे जो भी मिला मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। और इकट्ठा करते करते करीब मैंने 3 महीने तक का खाना जुटा लिया है। तीन महीने? तुम्हारे पास 3 महीने तक का खाना है? जी 3 महीने तक का। और अगर आप मुझे अपने साथ रहने देंगे तो हम मिलके साथ में खाना आपस में बांट सकते हैं। पर तुम ये बांटना क्यों चाहते हो? तुम अगर सारा खाना अपने पास रखोगे तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा ना खाने को, तुम बांटना क्यों चाहते हो? जी आप सही बोल रहे हैं, और आपको लगे कि मैं पागल हूं, शायद हो भी गया हूं, क्या पता। पर मुझे अकेले नहीं रहना, पता नहीं कितने वक्त से मैं अकेले रह रहा हूं। अकेले रहते रहते मैं पागल सा हो गया हूं, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक इंसान को दूसरे इंसान का साथ होना जरूरी है। वैसे भी जिंदा रहना मरने जैसा ही है अगर तुम अकेले हो। क्या आप अकेलापन महसूस नहीं करते? समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे भी तुम्हारी किसी भी बातों पे भरोसा कर लूं? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं।
हेलो हेलो ठीक है तुम अंदर आ सकते हो, पर तुम वैसे ही रहोगे जैसा मैं तुम्हें कहूंगा, ठीक है? जी ठीक, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अरे अरे, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? झूठ बोल रहा था तू। मैंने सुना तू खांसा, मैंने सुना। अरे वो तो मामूली खांसी थी बस। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तूने दरवाजे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, खाने के लालच में मैं क्या करने वाला था। तू जा इधर से, बहुत हो गया तेरा। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे वायरस नहीं है। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मेरे पास खाना है, ढेर सारा खाना मिलेगा। प्लीज नहीं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। हेलो, आप सुन रहे हैं? तुम अभी भी इधर ही हो? जाओ भी तो किधर जाओ? अपने घर में। मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं इधर नहीं रहता हूँ। मैं वार्ड एम से भागा हुआ पेशेंट हूँ। क्या? जी, झूठ बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वहां से भागने के बाद मैं खाने के तलाश में इधर उधर भटकता रहा, पर खाने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, और ढूंढते ढूंढते आप मिल गए। तो तुम्हें वायरस है? किस स्टेज में हो तुम वायरस के? सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। कितना कितना खुश था मैं। पुलिस ऑफिसर की नौकरी थी, पत्नी थी मेरी, जिसे बहुत प्यार करता था। सोचा था जब भी मरूंगा वो मेरे पास होगी और उसके बाहों में ही आखिरी सांस लूंगा। पर किसे पता था कि एक दिन ऐसे मरना होगा। I'm sorry, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, और मुझे पता है कि तुम मेरे जगह होते तो तुम भी यही करते, अपने आप को बचाते। जी मुझे पता है। तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो? नहीं, दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है मेरी। Mm-hmm.
हेलो हेलो हेलो, तुम ठीक हो? हेलो, हेलो हेलो हेलो, तुम, ओह थैंक गॉड, तुम ठीक हो? मुझे मुझे तो लगा कि तुम जिंदा हो। ओह चलो, अच्छा है। मरने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वार्ड से कैसे भागा। मौका मिलने पे एक दिन मैंने गार्ड से गन छीना और सबको डरा कि मैं बाहर की ओर भागा। मैं बहुत डरा हुआ था, तभी मेरे सामने एक गार्ड आ गई। उसने मुझे रोकने की कोशिश की और गलती से मुझसे गोली चल गई। बेचारे की जान चली गई मेरी वजह से। जुबेरा नाम था उस गार्ड का, मुझे पता नहीं था, पर तब से मैं वही गन अपने साथ लिए घूम रहा हूं। क्या तुम्हारे पास गन है? जी, आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला। मैं भी कितना बेवकूफ था जो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरी वजह से आपको भी वायरस हो जाता। वैसे भी मेरी गलती की वजह से एक की जान जा चुकी है, दूसरी भी चली जाती। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कम से कम मरते वक्त कोई साथ तो है। मुझे भी मिलकर तुमसे बहुत अच्छा लगा। काश काश हम लोग किसी और सरकमस्टेंसेस में मिले होते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषित है। और तुम्हारा? ऋषित मेरे दोस्त, हम मुझसे और नहीं सह जाता। इतनी बुरी मौत मैं नहीं मरूंगा। अलविदा मेरे दोस्त ऋषित। मैं अहमद कुवैसी अब इस दुनिया से अलविदा लेता हूँ। Hmm.
जरूरी सूचना। आज बहुत सालों बाद और सारे देशों की हजारों कोशिशों के परिणाम स्वरूप पहली बार जापान की बनाई हुई COVID-19 X21 के 10 वैक्सीन लास्ट ट्रायल में पहुंची हैं। सालों बाद पूरे विश्व में एक उम्मीद की किरण दिखी है। आने वाले 10 दिनों में पता चलेगा कि जापान को वैक्सीन बनाने में सफलता मिली या नहीं। नमस्कार भारतीय उत्तर जीवी, आज का यह पल पूरे विश्व के लिए बहुत ही खुशियों भरा है। आज जापान में COVID-19 X21 के लिए जो 10 वैक्सीन अंतिम ट्रायल में गए थे उनमें से एक को सफलतापूर्वक चुन लिया गया है। इसलिए आज के दिन को इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के दिन के रूप में याद किया जाएगा। अब जापान जल्द से जल्द इसके उत्पादन और वितरण में जुट जाएगा। आज पूरे 4 वर्षों के बाद एक खुशी की लहर पूरे विश्व भर में दौड़ पड़ी है।